तो फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग मसेकर, ठीक है, जो 1919 में हुआ था, ठीक है, अगर हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करें तो बैकग्राउंड में ये था कि 1 लाख जो है इंडियन सोल्जर से भी ज़्यादा ब्रिटिश की आर्मी में वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी उनमें हिस्सा लिया था, सही है, और तकरीबन 74,000 से ज़्यादा उस कन्फ्लिक्ट में मर गए थे वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, 74,000 से भी मजीद लोग उसमें मर गए थे। अच्छा, तो जो सर सिडनी रोवलेट, ठीक है, इन्होंने एक नया कानून बनाया इसके बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने एक नया कानून बनाया। इन्होंने ये कहा कि अभी अगर कोई भी इंडियन, सही है, कोई भी इंडियन शक के बुनियाद पर जेल में डाला गया, सही है, तो उसके मतलब बिना किसी भी फैसले के वो 2 साल तक कैद में ही रहेगा, मतलब जेल में ही रहेगा, ठीक है। इन्होंने ये फैसला ले लिया था सर सिडनी रोवलेट ने, ठीक है। अच्छा, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने रिजाइन कर लिया इम्पीरियल मेंबर काउंसिल से, सही है, और कांग्रेस लीडर जो महात्मा गांधी थे इन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट मूवमेंट, ठीक है, बनाई, जो कि पूरी इंडिया में फैल गई अच्छे से कुछ ही दिनों में, सही है। अच्छा, तो जब ये फैल गई तो यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी पंजाब से लेकर, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था वो 30 मार्च से स्टार्ट हुआ दिल्ली से पंजाब तक, ठीक है, दिल्ली से पंजाब के कुछ सिटीज में, ठीक है, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, सही है। तो जब ये दिल्ली पर जो प्रोटेस्ट हुआ तो ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर रश के ऊपर जितने मतलब लोग थे उन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनके ऊपर जो है गोलियां चलाई गई और वहां पर जो है बहुत सारे इंडियंस लोग मर भी गए थे। अच्छा, तो 13 अप्रैल 1919 में जो है यहाँ पर बैसाखी जो है एक सेलिब्रेशन थी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जो सिख पंजाब के जो सिख कम्युनिटी है वो ये सेलिब्रेट करते हैं, सही है, तो इनके दिन पे जो है ये जो है फायरिंग की गई बैसाखी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि अभी जो है कोई भी मतलब ऐसे रश नहीं करेगा, सही है, तो ये बैसाखी जो है इनका एक दिन था सिखों का, तो वो अपना दिन सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, तो इसलिए यहाँ पर मूवमेंट्स भी स्टार्ट की गई थी। अच्छा, तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 में ये जाले जो है जालियांवाला बाग जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे थे सिख अपना दिन, तो इनके ऊपर फायरिंग की गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। अच्छा, अगर हम अभी लोकेशन की बात करें, जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है, सही है, तकरीबन जो है 20,000 के करीब वहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे बैसाखी दिन, सही है, तो यहाँ पर जो है ब्रिगेडियर कमांडर जो एरिया के थे जनरल, ठीक है, डायर थे, ठीक है, और इन्होंने अपनी आर्मी को अलाउ कर दिया कि फायर करे उन लोगों पर और उनको मार दे, सही है, किसी ने, ब्रिगेडियर कमांडर जो थे उस एरिया के जनरल डायर, सही है, इन्होंने अलो कर दिया। अच्छा, तकरीबन ये जो फायरिंग चली थी वो 10 से 15 मिनट ये फायरिंग चली थी, ठीक है, और तकरीबन 1650 जो है यहाँ पर वो बुलेट्स थे, ठीक है, 1650 के करीब तकरीबन बुलेट्स चलाई गई, ठीक है, गोलियां चलाई गई, और यहां पर
और यहां पर इन गोलियों से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने, वहां पर एक कुआं है ठीक है, उस बाग में जालियाना वाला बाग में एक कुआं है ठीक है, जो अभी तक भी वहां पर अवेलेबल है, तो उसमें तकरीबन बहुत सारे लोगों ने जंपिंग की थी, जंप लगाया था सिर्फ और सिर्फ फायरिंग से बचने के लिए ठीक है। और वहां से भी 120 जो है लाश मिले थे, सही है, उस कुएं से, उस कुएं से। अच्छा, इस जो जो इंसिडेंट हुआ था ठीक है, इसके बाद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है, इन्होंने जो है जो हंटर कमीशन है ठीक है, तो वो जो है यहां पर जाहिर किया ठीक है। ये हंटर कमीशन तकरीबन 29 अक्टूबर 1919 में ये जो है फॉर्म की गई, बनाई गई ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जब कमेटी बनाई गई ठीक है, हंटर कमीशन, तो इसके बाद जो है कांग्रेस भी, कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी जोड़ी ठीक है, जिन्होंने, कांग्रेस ने अपने प्रपोजल्स जाहिर किए और यहां पर इन्होंने अपने जाहिर किए ठीक है। अच्छा, जो हंटर कमीशन थी ना, हंटर कमीशन में जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी, उन्होंने ये कहा था कि तकरीबन 379 लोग जो है मारे गए हैं ठीक है, और 1200 के करीब जो है वहां पर जख्मी हुए हैं ठीक है। इन्होंने की रिपोर्ट ये थी, किसकी, हंटर कमीशन की, हंटर कमेटी की ठीक है। उसके बाद जो कांग्रेस ने रिपोर्ट पेश की, उसके ही टाइम में कांग्रेस ने कहा कि 1000 के करीब जो है जायद लोग मारे गए हैं और तकरीबन 1500 से ज्यादा जख्मी हैं ठीक है, और उनमें से एक बंदा जो है जिसका नाम था ओथम सिंह ठीक है, इन्होंने एक कसम लिया कि मैं इनसे अपना बदला लेकर रहूंगा ठीक है, तो इन्होंने ऐसा ही किया। तो अभी 13 मार्च 1940 की मैं बात आपको बताऊं कि ओथम सिंह ने शूट कर लिया मिकाइल ओडायर को ठीक है। ये मिकाइल ओडायर जो थे, ये दूसरे थे जिनकी मतलब अथॉरिटी से ये आए थे ठीक है, ये डायर दूसरा है और वो डायर दूसरा था ठीक है, तो वो था जनरल और ये इनकी, ये वायसराय के हिसाब से यहां पर इन्होंने मतलब इजाजत ली गई थी, फिर इन्हों पर, इनके ऊपर फायरिंग की गई थी ठीक है, तो मतलब इन्होंने फायरिंग की थी सही है। अच्छा, तो इनको जो है मारा गया, ओधम सिंह ने जो है इनको शूट कर दिया, इनको मार दिया ठीक है। कौन सी मीटिंग में, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी ना, उसके दौरान इनको कैक्सटोन हॉल में मार दिया सही है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।